हेलो फर्स्ट क्लास, पहले हमने किया था, पढ़ा था सच्ची शिक्षा, फिर हमने किया उनके शब्दार्थ, फिर हमने किया उनके प्रश्नों के उत्तर। अब हम करेंगे नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ या ना, हाँ या नहीं लिखो। ओके, नंबर वन, सभी बालकों के चेहरे मुरझाए हुए थे। सभी बालकों के चेहरे मुरझाए हुए थे, नहीं। क्या आएगा? रॉन्ग, गलत। ओके, नंबर टू, कुछ बालक उदास और चुपचाप बैठे थे। नहीं, वो तो खुश बैठे थे, तो ये क्या हो गया? गलत। नंबर थ्री, पाठ सबको याद नहीं था। नहीं, वो तो सभी ने याद किया तो ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा? रॉन्ग। नंबर फोर, युधिष्ठिर धर्मराज नहीं था। हाँ, युधिष्ठिर तो धर्मराज नहीं था, वह उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो क्या होगा? रॉन्ग। नंबर फाइव, आचार्य जी बालक की सच्चाई से प्रसन्न थे। हाँ, आचार्य गुरु जी बालक की सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, ये क्या है? राइट। अब हम करेंगे नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ओके, नंबर वन, आचार्य जी ने बालकों से डैश पर बैठने को कहा। ऑप्शन, आचरण, व्याकुल, आसन या याद। कहाँ पे बैठने के लिए बोला था? नंबर वन, ओ सॉरी, नंबर वन आसन। ओके, आसन पर। नंबर टू, पाठ सच्चे मन से डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचरण, व्याकुल, याद। क्या करना चाहिए? याद। ओके, नंबर थ्री, सभी बालक पाठ सुनने को डैश थे। सभी बालक पाठ सुनने को व्याकुल, व्याकुल मीन बेचैन थे। ओके, नंबर फोर, हमें जैसा पढ़े वैसा डैश भी करे। क्या करे? आचरण। ओके, ओके, ये आप लोगों ने अपने नोटबुक पे उतारने हैं। थैंक यू।